क्या नाम है आपका? शालिका अग्रवाल। कहाँ रहते हैं? मैं यहीं पे रहती हूँ, सुकांत मैदान के पास में। क्या करते हैं? I'm a freelancer, मैं इंटीरियर डिजाइनर हूँ। आप रामसर मैदान में कराटे सीखने आए हैं जी? कितना रोज से कर रहे हैं? मुझे 2 मंथ हुआ है। क्या क्या सीखे? मैंने कुछ टेक्निक सीखा है, वार्म अप्स करती हूँ रेगुलर, एंड फिट रहने का और भी तरीका सीखा है जिससे मैं अपने आप को और ज़्यादा एनर्जेटिक फील करती हूँ। आज जो ट्रेनिंग दिया है, आज क्या क्या सिखाया गया? आज हमें ये सब हम पहले भी सीख चुके हैं, आज हम वही चीज़ प्रैक्टिस कर रहे थे, मिडिल पंच, अपर पंच एंड लोअर पंच, ये 3 हमने प्रैक्टिस किया है, एंड माइगरी प्रैक्टिस किया, एंड डिफरेंट स्टांस प्रैक्टिस किया जिस पे हम बैठते हैं, जैसे जंके सुदाची एंड गायको जुकी। खास करके महिला को जो कराटा सीखना है, हाँ, मैंने क्यों सीखना है सर? ये एक तो हमारे इंडिया में ऐसी बहुत है कि लेडीज़ अनफिट रहती है, तो एक इसलिए भी ज़रूरी है, और इंडिया में जितना अनसेफ है गर्ल्स के लिए, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी, इवन बॉयज़ से ज़्यादा ज़रूरी गर्ल्स के लिए सीखना है, ताकि वो इंडिपेंडेंट होकर कहीं पे भी जा सके। जो अभी तक तो कराटा में हिस्सा नहीं लिया जी, उनको आपका तरफ से क्या मैसेज क्या है आज के दिन पर? मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगी, चाहे कोरोना हो या कोई भी बीमारी हो, अगर आप फिट रहते हो ना, तो वो आपको कम इफेक्ट करेगा। तो अगर आप कोई भी तरह का फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, और कराटे में ज़्यादा प्रेफर इसीलिए करती हूँ बिकॉज वो आपको फिट भी रखता है, प्लस आपके लिए सेफ्टी भी वो रखता है कि आप सेफ भी रहो। तो इसीलिए मैं तो बहुत रिक्वेस्ट करूँगी कि हर एक इंसान, इवन कोई बुजुर्ग हो या कोई बच्चा, हर एक को सीखना चाहिए कराटे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वेंद्रीला माझी है। कहाँ रहते हैं? मैं सूर्या नगर में रहती हूँ। घर में कौन कौन है? मेरे पापा, मम्मी और मैं। पापा क्या करते हैं? मेरे पापा हॉकर करते हैं। माँ? मम्मी होम मेकर। अच्छा, स्कूल में पढ़ते हैं? हाँ। कौन स्कूल? बांडू सुबसपुर गर्ल्स हाई स्कूल। आप कैसे साल हुआ कराटे कर रहे? मेरा 1 साल हुआ। 1 साल, 1 साल को क्या क्या सीखने को मिला आपको? मेरे को काता सीखने को मिला, फाइट में सीखने मिला, जैसे कि माउसी काता वगैरह वगैरह। अच्छा, पहले जब आप शुरुआत में आए रहे, उस टाइम आपको एक कराटा में एनर्जी कैसा था, अभी एनर्जी कैसा है? तब मैं शुरुआत में कैसा है ये बताए, पहले डर सा लगता रहा? हाँ, हाँ। अभी कैसे महसूस हो रहा है? जब मैं कराटा नहीं सीखती थी, तब मेरे को सबसे डर लगता था, अब मेरे को डर नहीं लगता। अच्छा, आप कोई दूसरा लड़का अगर छेड़छाड़ करेगा, आप उसको फाइट करने सकेगा? पहले हम समझाएंगे, फिर नहीं तो आपका हाथ का कमाल। क्या नाम है? नव्यशा। कहाँ रहते हैं? एनएस्टोर नियर न्यू धर्मशाला। अच्छा, आपका घर में कौन कौन है? मेरे घर में मेरे पापा, मम्मी, भाई। अच्छा, आंटी, अंकल। ना, भाई आपका छोटा है? हाँ। आप लोग कई भाई कई बहन हैं? मेरा एक भाई और एक हम। आप बड़े हैं? हाँ। अच्छा, तो ये जो रामसर मैदान में आप कराटा का कोचिंग कर रहे हैं, कितना रोज से कर रहे हैं? 1 साल। 1 साल, 1 साल से कर रहे हैं। कैसा लग रहा है? कैसा सीखने के बाद? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। ये कराटा सीखने को आपको यहाँ पर भेजा कौन? मम्मी पापा दोनों मिलके। अच्छा, आप जब घर जाएंगे तो अकेले जाएंगे कि आपके साथ में कोई है? मेरे भैया भाई है। भाई बहन दोनों को सीखते हैं। अच्छा 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 तो आपका छोटा छोटा जो बच्चा लोग है आपका उम्र का, उन लोग को क्या बोलना चाहते हैं ये कराटा लेके? बोली, कराटे सीखने चाहिए, वो लोग को भी कराटे सीखना चाहिए। की नाम तुम्हार? आकांक्षा प्रसाद। तुम्हारे अखन कौन रैंक चलचे? ग्रीन बेल्ट। ग्रीन बेल्ट, एटा कत दिनेर मध्ये तुमी पेले? 3 बछर। 3 बछर,
তো 3 বছরে তুমি কি কি শিখেছো? কাতা, ফাইট। আচ্ছা, তো স্যার কিরকম প্র্যাকটিস করায়? ভালো। লেখাপড়া করো? ইয়েস। কোন স্কুল? ডিএভি পাবলিক দত্তকা। আচ্ছা, ওইখানে ক্যারেটার শেখানো হয়? না। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रीति सिंह है। क्या करते हैं? मैं 12th क्लास 12th के स्टूडेंट। कौन है स्कूल? बनपुर गुरु नानक। आपका घर में कौन कौन है? मेरे घर में मम्मी है, पापा है, हम 2 बहन है और 1 छोटा भाई है। अच्छा, ये जो आप कराटा सीखते हैं, क्यों सीखते हैं? कराटा सीखने का मेरा बहुत पहले से शौक था और हमको बहुत अच्छा भी लगता है जितने, और कराटा मतलब हमको बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, देखिए अभी जो हम लोग का पश्चिम बंगाल का सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय, यहाँ पर जो लड़की लोग के लिए ज़्यादा सुविधा रखा है। हाँ सर। खास शायद ही कोई ऐसा मुख्यमंत्री होगा जन्म से लेके मृत्यु तक सुविधा जो है ये मुख्यमंत्री ने दिया है, तो इसके लिए आपको क्या कहना है? हमको सबसे पहले ममता बनर्जी जी को थैंक कहना है, क्योंकि उन्होंने बंगाल में जितनी भी लड़कियां हैं उन सबको मतलब बहुत सारा हेल्प किया सबको, मतलब अभी क्लास 12 में सबको मोबाइल या टैब खरीदने के लिए 10,000 रुपये दिए हैं, फिर सारी मतलब लड़कियों को कन्याश्री में 18 ईयर्स होने के बाद सबको 25,000 देने का बोली हुई है, और वो सबको अभी साइकिल भी दी है, और मैं उनको बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी। इस बार भी उनको ज़रूर आना चाहिए, उनको इस बार जीतना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि वो लड़कियों की इतनी हेल्प कर रही हैं, जितनी भी लड़कियां हैं जो पढ़ नहीं सक रही है उनको पैसे दे रही है आगे पढ़ने के लिए, जिस कारण लड़की और आगे पढ़ सके, इसलिए उनको ज़रूर आना चाहिए। क्या बच्चिया को जो खेलकूद में हिस्सा लेने के घर वाले भेजते हैं, क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे खुद पर डिपेंड रहें, कहीं बाहर मतलब आराम से जा सके, उनको कोई प्रॉब्लम ना, और खुद पे डिपेंड रहे। और खेलकूद में हिस्सा लेने से हेल्थ भी तो अच्छा होता है, हेल्थ भी अच्छा रहता है और फिटनेस भी उनका बना रहता है। और कभी अगर फंस जाता है, हेल्थ अगर कोई डिस्टर्ब हो गया, तो जो गरीब घर के बच्चा है उसको इलाज करना के खूब मुश्किल हो जाता है। 1-2 लाख रुपया रकम अगर खर्चा अगर बढ़ जाएगा तो वो मिलना मुश्किल हो जाता है। कद बनाए आप अपने घर का, हेल्थ कार्ड बनाए? नहीं, अभी तो नहीं बना है, मतलब फॉर्म मम्मी जमा कर चुकी है, अभी तक कार्ड आया नहीं। मतलब वहाँ से स्लिप नहीं है, फोटो नहीं बना, कार्ड नहीं अभी बना? अच्छा, क्या नाम है आपका? प्रीति सिंह। बाबा नाम? संतोष सिंह। माँ का नाम? सीता सिंह। घर में कौन कौन है? घर में मम्मी पापा है, हम 2 बहन है, 1 छोटा भाई है। तो ये हेल्थ कार्ड, पिताजी क्या करते हैं? पापा टाइल्स वर्कर है, मार्बल वगैरह। तो आपके लिए तो ये हेल्थ कार्ड खूब जरूरी है? हाँ, बहुत जरूरी है, क्या कि हेल्थ कार्ड हो जाने से तो 5 लाख का सुविधा इलाज करा सकते हैं। भगवान करे वैसा बीमारी ना आए कि 5 लाख का खर्चा करने पड़े, लेकिन अगर आ गया मुसीबत को किसी को पूछ के नहीं आता है, तो अगर कार्ड बन जाएगा तो आपको काम आएगा। तो ठीक है, ये कार्ड के जो हेल्थ कार्ड हो रहा है जो पूरा पश्चिम बंगाल में, और कहीं इस तरह का नहीं है, इसका बारे में हम लोग का जो माननीय मुख्यमंत्री है उनको क्या मैसेज क्या दीजिएगा? मुख्यमंत्री जी को हम कहना चाहते हैं कि वो उन्होंने ये हेल्थ कार्ड बनवाकर हम लोग की बहुत हेल्प की है, और उन्होंने बहुत अच्छे के ये बनवा के जिससे जितने भी गरीब परिवार है वो सारे मतलब अपना इलाज करवा सकते हैं। हम यहाँ पे सबकी तरफ से हम थैंक बोलना चाहते हैं आपको। Get it! Get it! Get it! Get it!